नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुशवाहा, स्वागत है आपका पीके स्टडी मैजिक चैनल पर। दोस्तों आज अपन पर्यायवाची शब्द लिखकर सीखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे कि समान अर्थ मतलब पानी, पानी को हम और किन नामों से जानते हैं? अर्थ तो समान रहेगा पानी, लेकिन नाम अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कि आपने कभी देखा होगा, आपके घर कभी कथा या भंडारा या कुछ प्रोग्राम हुआ होगा, तब पंडित जी ने आपसे जरूर कहा होगा दोस्तों कि एक लोटा जल लेके आइए, उसमें आप लेके क्या जाते हैं? पानी। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो वही बात है, यहाँ पर अपन पानी को जल लिखेंगे। इसका पर्यायवाची शब्द होगा जल। और क्या होगा? नीर होगा। मतलब अपन पानी को जल के नाम से भी जानते हैं और नीर के नाम से भी जानते हैं। बाय चांस अपन जल को यहां पर रख देते हैं तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी और नीर होगा। अगर नीर को पानी की जगह पर रख देते हैं तो नीर के पर्यायवाची शब्द जल और पानी कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा बताइए। पृथ्वी को अपन किन नामों से जानते हैं? एक तो धरती के नाम से जानते हैं, धरती। और दूसरा नाम बताइए जिस पर अपन खड़े हैं, वो धरती ही है ना? ठीक है, और दूसरा नाम है भू। भूमि भी बोल जाते हैं, भू या भूमि। भूमि, भूमि के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। फूल को आप किन नामों से जानते हैं? बहुत सुना होगा आपने कि फूल को पुष्प के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? पुष्प के नाम से, सुमन। यहां पर फूल को पुष्प और सुमन के नाम से जाना जाता है। सूर्य को किन किन नामों से जाना जाता है? सूर्य को सूरज के नाम से जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? एक रवि के नाम से जाना जाता है। और अनेक नामों से जाना जाता है। मैं आपको सिर्फ दो ही शब्द बताऊंगा ताकि आप अचंभे में ना पड़े। सूर्य का हो गया, अब देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा को अपन किस किस नाम से जानते हैं? ईद तो सभी देखते होंगे। ईद क्या देख के मनाते हैं अपन? चांद देख के ईद मनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चांद। और किस नाम से जाते हैं? जब पूर्णिमा आती तो क्या कहते हैं? चंद्र पूर्णिमा। चंद्रमा, इन नामों से इनको जाना जाता है। इन शब्दों को अगर यहाँ पर रखेंगे तब भी सेम ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।